नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है पंजाब के अमृतसर से। जी हाँ, खालिस्तान को लेकर लगातार मुद्दा गर्माता जा रहा है। हाल फिलहाल के दिनों में पंजाब में किस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों ने उत्पात किया, उसके वीडियोज आपने देखे, और इस उत्पात की वजह से ही भगवंत मान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। और इसे ही लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गृह मंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए 50 पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां जो हैं वो अमृतसर भेजने का फैसला कर लिया। क्यों फैसला किया, इसके पीछे की बड़ी वजह यह थी कि 15, 16 और 17 तारीख को G20 की समिट, एक बड़ी बैठक जो है वो अमृतसर में ही होनी है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई दिग्गज इसमें हिस्सा लेंगे, और इन दिग्गजों के हिस्सा लेने के चलते इसे दो तरह से देखा जा रहा है। पहला ये कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए, गृह मंत्रालय के लिए और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रखा जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई गलत संदेश चला ना जाए। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो इसमें यह है कि यह मौका है उन खालिस्तानी समर्थकों के लिए, उन आतंकवादियों के लिए, कि अब इस मौके पर कुछ ऐसा कर दें जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बात जो है वो सुनाई दे, गूंजे, और इसी की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। तैयारी शुरू करने को लेकर संगू बॉर्डर पर एक नोट लिखा गया है। बॉर्डर पर कुछ खालिस्तानी नारे लिखे गए हैं जिसमें ये कहा गया है, G20 के जो लोग, जो मेहमान शिरकत करने आ रहे हैं उनके लिए लिखा गया है कि खालिस्तान में आपका स्वागत है। यानी कि ऐलान कर दिया है कि ये खालिस्तान है। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर ये इस तरह के संदेश जो है लिखे गए हैं, और इसके पीछे का जो चेहरा है वो है पन्नू। जी हाँ, आतंकवादी पन्नू, जो कि विदेश में बैठकर खालिस्तानी एजेंडे को चलाने की कोशिश करता रहता है, और न सिर्फ कोशिश करता रहता है बल्कि उसने अब भारत के गृह मंत्री अमित शाह को और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी खुली धमकी दी है, और धमकी देते हुए कहा है कि आप दोनों की राजनीतिक हत्या होगी। यानी कि बहुत बड़ी बात, वैसी ही बात जैसी कि अमृतपाल सिंह ने इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए अमित शाह को धमकी देते वक्त कही थी। पन्नू ने क्या कुछ कहा है आपको वो बताते हैं। उसने कहा है कि बीते दिनों पंजाब के सैकड़ों घरों पर केंद्र व पंजाब सरकार ने पुलिस भेजी, लोगों को परेशान और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। पंजाब के घर घर में बारूद बन रहा है। ये बारूद तभी फटेगा जब वे चाहेंगे। इसमें गृह मंत्री शाह और CM मान की राजनीतिक मौत होगी। शंभू बॉर्डर पर लिखे गए स्लोगन भारत को संदेश है, अब पंजाब और हरियाणा भारत का हिस्सा नहीं है और ये खालिस्तान है। इतना ही नहीं, पन्नू ने खालिस्तानी समर्थकों से ये अपील भी की है कि 15 और 16 मार्च को वो बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन के सामने अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर खालिस्तान का जो मुद्दा है, ये खालिस्तान को लेकर जो आतंकवादी हैं या जो इसके समर्थक हैं, वो अब इस मौके को, यानी कि 15, 16 और 17 मार्च को जो G20 की बैठक हो रही है, इस मौके का इस्तेमाल करने की फिराक में है। हालांकि गृह मंत्रालय भी सख्त है, 50 पैरामिलिट्री की टुकड़ियां भेज दी गई हैं, जो कि एक सीधा संदेश है गृह मंत्रालय का इन खालिस्तानी समर्थकों को कि भारत सरकार इस तरह की किसी भी सोच को हल्के में लेने के मूड में नहीं है, और जरूरत पड़ी तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। VK News, राष्ट्र के नाम।